on this mic too. उसके सबसे मेरी यंगेस्ट एक्ट्रेस हैं अवनीत कौर, प्लीज स्टेज पे आए. वेरी प्राउड डे फॉर ऑल ऑफ अस. एक इंतजार के बाद हम थिएटर्स में आ रहे हैं और रिसेप्शन कल से जो मिला उससे फिल्म आई थिंक वार्म अप हो रही है. अंदर फीडबैक भी गेट इट इज ग्रेट एंड आई एम पर्सनली वेरी वेरी टच्ड कि हम सभी आज मिल करके फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं. आगे बढ़ रहे हैं. वेरी हैप्पी. सो हाउ डज इट फील टू हैव टू यंग प्रोटैगनिस्ट्स एंड हैव सच वेटरन्स टू बैक यू अप? And actually, when our film is coming out in the theaters, everybody is standing together to make it happen. No, absolutely. Yeah, it was a delight to discuss because I had known Ravi ji and Rajesh ji and Prashant from ISAK. But it was a delight to work with the younger actors, Ritvik Sahur, Avneet and Jayesh and others, because it's kind of a gift that all directors marvel at that. Inko ek gift mila hota hai and they are very able to match with very senior and experienced actors. So bahut hi acha experience tha and they were totally in the game. So very well matched team rahi hamari. Ravi ji, aapse puchna hai, do young actors hain hero, lekin aap sabse handsome lag rahe ho, ye sab pata nahi. So how do you actually maintain yourself, wo bataiye pehle. Ha, ye baat ये क्या था. खैर मैं नहीं, थैंक यू सो मच. आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग मुझे बहुत प्यार से देखते हो. ये सिर्फ नज़रों का खेल है, आप बहुत मोहब्बत से हमको देख रहे हैं इसलिए शायद. मैं ये कहना चाहूँगा चिड़िया खाना देखिए, प्रशांत, मैं, राज, अंजन जी, हम लोग को आप लोग बहुत प्यार दिए, पूरा देश प्यार दे रहा है कई सालों से हमारे, और हम लोग इसलिए अभी तक सांसें चल रही, काम कर रहे हैं हम. लेकिन ये जो ये यंगर जनरेशन, जो किड्स जो दे आर सिटिंग, ये न्यू कमर्स हैं, ये लोगों ने बहुत शानदार काम किया है इस कहानी के साथ. इस कहानी में जो संगीत है, म्यूज़िक है, वो इतना फ्रेश है. तो ये फिल्म भले 3-4 साल पहले शूट हुई, लेकिन ये आज जब भी आप लोगों ने प्रोमो देखा, बहुत फ्रेश है. मैं सभी लोगों को, जितने मुझे प्यार करते हैं, मैं सभी लोगों को कहूँगा, मैं अपनी सरकार से भी दरख्वास्त करूँगा जाके कि इस फिल्म को, आप फुटबॉल है, स्पोर्ट्स हैं, बच्चों के लिए इसको ज़रूर प्रमोट करें बहुत, क्योंकि इस देश में 80% देहात है, विलेज, और यहाँ बहुत सारे सपने, गांव में सपने बहुत होते हैं, बड़े होते हैं. हम सब जानते हैं चूँकि हम लोग भी हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, तो हम लोगों ने सपने देखे हैं और वो सपनों को फिर पूरा करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है. अब चीज़ें बहुत कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो गए इस देश में, अब उसमें इस तरह से स्पोर्ट्स से भी करियर बनाया जाता है, स्पोर्ट्स से पैसे भी कमाए जाते हैं, परिवार भी चला सकते हैं, फिटनेस का भी एक संदेशा होता है, ड्रग्स से, शराब से भी आप आउट होते हो. तो एक बहुत बड़ा संदेशा लेके ये फिल्म आ रही, इसका नाम चिड़िया खाना. तो मैं एक सांसद के रूप में, एक कलाकार के रूप में भी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फिल्म को पुश करें. मैं कोशिश करूँगा कि अपनी सरकार से भी बात करें कि इसको टैक्स फ्री के लिए भी हम इसको हम लोग प्रोत्साहित करें. और ये फिल्म उस लायक है. NFDC को धन्यवाद कि NFDC ने इसको पूरा बैकअप किया. नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लोगों ने पूरा इसको बैकअप किया और ये फिल्म बनाई. मनीष जी की उन्होंने मदद की, NFDC ने ऐसी स्क्रिप्ट को उठाया, उसके लिए मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसी स्क्रिप्ट को बैकअप किया. अब थोड़ा और भी पुश हो जाएगा इसके साथ. तो मैं बहुत, आई एम वेरी हैप्पी कि चिड़िया खाना इस वक्त फोकस यही रहना चाहिए कि एक छोटी फिल्म को आप लोग कैसे बड़ा बनाते हैं, जो बच्चों के भविष्य को लेके, हमारे बच्चों के भविष्य को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, वो गरीबी की लड़ाई जो एक होती है, जो एक एक बस्ती से निकलती है, जहाँ लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं, जहाँ चरस, गांजा और शराब परोसी तुरंत जाती, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स, एक ट्रेनर आता है और वो एक स्पोर्ट्स एक जीवन देता है और एक उम्मीद की किरण जगती है. एक बहुत ही सुंदर संदेशा है. ऐसी फिल्मों को हम सबको ज़रूर प्रमोट करना चाहिए. How does it feel with you? जयेश. Obviously it feels great. Senior actors है, अंजन जी के साथ कुछ सालों से काम कर रहा हूँ, प्रशांत सर के साथ सेट पे बहुत मज़े किए थे, अवनीत के साथ मराठी डायलेक्ट के हमने वर्कशॉप्स किए थे, आई रिमेम्बर. तो ऋत्विक के साथ हम एक वैनिटी में मिलके वैनिटी वालों को बहुत परेशान किया हमने सेट पे. तो इट फील्स ग्रेट. आई एम वेरी मच इन ग्रेटिट्यूड टू मनीष सर, कि मनीष सर ने
मुझे ठीक समझा इस रोल के लिए और होपफुली मैं कैरेक्टर को जस्टिस कर पाया. अवनीत, हाउ डज इट फील? देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर दिस लिटिल चुलबुली चाइल्ड एंड टुडे यू आर एन एक्ट्रेस ऑफ योर ओन मेरिट विद योर मूवीज कमिंग अप. हाउ डज द जर्नी फील? एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल फिल्म. सो I just think time really flies and I remember Mili thi मैं बहुत खुश थी and we had done so much work, workshops were there. Sir, मैंने कितने time हम लोगों ने एक साथ you know spend किया है to work on these characters and Ritvik ने, Jayesh ने, मैंने बहुत सारे सिग्नेचर जेस्चर्स जो ये करती हैं खुद के थे. So obviously because we've given a little bit of a dance and musical character to Milish, so मैंने थोड़े बहुत ऐसे actions किए थे इसमें फिल्म में and बहुत खुश हूँ कि finally चिड़ियाखाना release हो रही है theaters में और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, मनीष सर ने बहुत मेहनत की है and मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग please जाइए और ये फिल्म देखिए. बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल और बहुत ही इंस्पिरेशनल मैसेज है एंड प्लीज़ जाइए एंड अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ जाके फिल्म देखिए. प्रशांत, हाउ डू फील बीइंग द कोच? वेल सी, आई हैव ऑलवेज बीन अ बैडमिंटन प्लेयर. आई स्टिल प्ले बैडमिंटन फॉर दिल्ली स्टेट एंड ऑल दैट, सो आई अंडरस्टैंड द रिगर्स. कितनी मेहनत लगती है एक मैच के पहले, कितना कुछ करना पड़ता है बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट प्लेइंग. सो मेरा इसमें आइडिया ये था कि कुछ ऐसे लोगों को मुझे तैयार करना था जो कि एक बहुत ही क्वालिफाइड स्कूल के साथ खेल के उनको हरा के तो ही उनको जो है उनका BMC का ग्राउंड जो वापस मिलने का चांस था. सो आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल अर्लियर इन द फिल्म एंड बट देन आई हैव नॉट प्लेड इट इन अ लॉन्ग टाइम. बट द मोटिवेशन वाज दैट यू नो दैट आई वाज गोइंग टू डू समथिंग फॉर दीज किड्स एंड आई हैड सम लवली किड्स टू वर्क अराउंड विद एंड ऑल दीज पीपल वर सो गुड इन व्हाट दे डिड. ऋत्विक एंड जयेश, बिकॉज दीज वर द मेन पीपल हु वर इंटरेक्टिंग विद मी एट दैट टाइम. सो आई अंडरस्टैंड कि मेरे से ज़्यादा मेहनत डेफिनेटली इन लोगों ने किया है यू नो और आई एम प्लेइंग समथिंग व्हिच इज़ लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ एक्चुअली यू नो आई एम अ पार्ट ऑफ गोविंद नामदेव हु इज़ प्लेइंग दिस पॉलिटिकल पर्सन इन दिस. आई एम ऑल्सो हिज असिस्टेंट. I'm also somebody associated with the family, which is Raj and Ritvik, and I'm associated with the ground, and I'm associated with all the kids. So उस तरह से जो मेरा character जो है प्रताप का जो role है वो आपको कई सारी चीज़ें आपको इसमें layers में देखने को मिलेंगे and I'm very happy with how the role has been written and how Manish has projected me in this film and I am definitely looking more handsome than Ravi Kishan. This is Prashant. What do you feel, Rajeshwari? Who is looking more handsome? No, Rajeshwari has dated both these gentlemen. Yeah. Thank you. You're my savior. Yeah, in Essex she was with. Yeah, and this she's yeah. Yes. तो आप बेहतर बता पाएंगे. I've been very lucky. I've always dated very handsome. It's a wonderful feeling. The film is releasing. जब आप एक फिल्म करते हैं तो आप सब एक कहानी कहने में जुड़ जाते हैं. So you are all involved. You all committed to something. But there's one man who's always taking it forward, and we are only following the leader. He has done a fabulous job of putting it all together. He's a very committed man who's making this film and who's believed in this film throughout. He hasn't done anything besides Chidiyakhana. And that's wonderful. I think we need to give it out to you. Yeah. मैं बस ये कहूँगी कि ये फिल्म देखें सब
सबने कहा ही है कि सबने बड़ी मेहनत की है और हम कलाकार हैं, हम जुड़ जाते हैं उस फिल्म के साथ, हम चाहते हैं कि हमारी हर फिल्म बहुत अच्छा करे और ये फिल्म बहुत अच्छा करे, ये उम्मीद करती हूँ कि सब लोग जाएँ फिल्म देखें थिएटर्स में, अपने दोस्तों से भी कहें और फिर दोबारा भी देखें और तीसरी बार भी देखें, हमें अच्छा लगेगा। अंजन जी कैसे लग रहा है, आपने बच्चों से स्कूल बचवाया? मैं तो जिंदगी के साथ देखता हूँ किसी भी कार्यक्रम को, चाहे थिएटर हो, फिल्म हो, टेलीविजन हो, वेब सीरीज हो। ये सिनेमा एक डायरेक्टर्स मीडिया है, बिल्कुल ही डायरेक्टर्स मीडिया है। सिनेमा कहती है वो क्या कहना चाहता है और कैसा कहना चाहता है, कितना आता है उसको सबको एग्जीक्यूट करना। इस फिल्म से ये दिखा है कि नंबर वन डायरेक्टरों में आते हैं ये, क्योंकि जिन लोगों के साथ काम किया है ये, उनमें से चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के डायरेक्टर हो, सतीश राय का लड़का हो, गौतम घोष हो, जिस तरह की फिल्म बनाई है, बेनिगल साहब का नाम नहीं लेता हूँ मैं, लेकिन जिस तरह की फिल्म बनाई है, जो सोच है इनकी, ये बताती है कि ये नंबर वन डायरेक्टर है। इनके इन्होंने उन शतरंज के मोहरों को किस तरह से बिछाया है और उनसे कैसे काम लिया है, इनकी टैलेंट की बात है, हमारे टैलेंट की बात है, जो आपने हमसे डिमांड किया हमने उसको पेश किया। इस तरह से अब जब मान पड़ रहा है चिड़ियाखाना ये था, क्योंकि अचानक इनसे मुलाकात हुई, मैं इनको जानता नहीं था, स्कूल के थ्रू से मुझे कहीं से मुलाकात हुई, मेरी बच्ची ने कहा कि कोई मनीष तिवारी जी आपसे मिला, तो उन्होंने किरदार को ढूंढा कहाँ कहाँ। अब मैं अब देखता हूँ अपने नज़रिए से ज़िंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है, मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लॉ करता था तो काला था बोल के एक गुंडा आता था, वो आता था दार्जिलिंग से और कलकत्ते में आकर के बच्चों को परेशान करके, पॉलिटिकल झमेला करके छात्र परिषद के साथ चला जाता था, वो काला था इधर है। प्रशांत नारायण जैसा लड़का वो सबको नकल करने में हेल्प करता था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लॉ क्लासेस में, सुब्रतो वगैरह सब उसमें थे उस समय क्लासेस में, और बेसिकली वो उन लोगों को बचाता था जिसको कालादा परेशान करता था। वो निगेटिव कैरेक्टर पॉजिटिव दिखाई पड़ा प्रशांत नारायण में, और मेरे घर में मेरी माँ जो परेशान थी कि क्या करेगा जिंदगी में, ये एक्टिंग की बात कर रहा है, ये कर रहा है, पढ़ेगा, वो माँ का रोल इसने राजेश्वरी ने बखूबी निभाया। और शैतान बच्चे तो हम देख ही रहे हैं, जो जिनके बारे में कह रहे हो कि कौन सही है कौन गलत है ये बताना बड़ा मुश्किल है। वो स्कूल वो ऐसी जगह है जहाँ कहते हैं गुरु सुधारता है बच्चे को, पांडवों का भी उन्होंने टीचिंग की थी और कौरवों की भी की थी, पर कौरव और पांडवों में अंतर रह गया, ये उन बच्चों पर है कितना वो ले सके इन चीज़ों को। और सिनेमा देखने वाले में के समय बच्चों को देखना ज़रूरी है, जैसा रवि किशन जी ने कहा, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ काइंड ऑफ एजुकेशन, इंटरटेनमेंट के साथ, मैसेज के साथ, और सिनेमा इंडस्ट्री को और एनरिच करने के लिए चिड़ियाखाना दिखाई पड़ रहा है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ये मैनेज का टैलेंट है कि ये इस शेप में आ गया है। सर वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज दिस फिल्म कॉल्ड चिड़ियाखाना? दो कारण है, एक तो जो प्रोटैगनिस्ट है, इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी, वो अपने लिए दुनिया में एक जगह तलाश कर रहा है, और जब वो भयभीत होता है तो उसको जानवरें दिखती हैं, तो तरह तरह के जानवर दिखते हैं। और ये मेरा सेकंड ओमाज है मेरे गुरु सत्यजीत रे को, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी चिड़ियाखाना, सबसे डिफरेंट है, तो ये दोनों का मिश्रण से इस फिल्म का नाम चिड़ियाखाना, जहाँ पे हमारा हीरो अब उस चिड़ियाखाने में क्या है वो खोज रहा है। तो